नमस्कार दोस्तों, संविधान के अंतर्गत अभी तक हमने जो भी पढ़ा, यानी कि अनुच्छेद 51 का तक हमने मूल कर्तव्यों को पढ़ करके समाप्त कर दिया है, ठीक है। और अभी तक जो हमारे आर्टिकल की श्रृंखला चल रही थी वो क्रम से चल रही थी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 15 इस तरीके, ठीक है, 51 तक। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही अनुच्छेद 52 यानी कि 52 में प्रवेश करेंगे, आपको पता है कि भारत का राष्ट्रपति स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति अब जो है राष्ट्रपति हो गया, या यूं कहें कि जो भाग 5 है वो पूरा का पूरा संघ से संबंधित, यानी कि संघ का वर्णन किया गया है भाग 5 में। और जो संघ है यानी कि भाग 5 है वो अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक है, यानी कि काफी बड़ा है भाग 5, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यानी कि अब हम ये कहो कि मूलतः संविधान में अब हम घुसे हैं, ठीक है। यानी कि जो हम संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, अभी तक तो बस हम एक डेमो ले रहे थे, मतलब कि समझ रहे थे यहाँ क्या क्या चीजें कैसी हैं, बेसिक उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या चीजें, ठीक है। अगर देखा जाए तो वास्तव में जो मूल संविधान है या जो संविधान की प्रमुख बातें हैं वो अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमने अपने तरीके को थोड़ा सा बदल दिया है, थोड़ा बदलाव लाया है, और चूंकि यहां से यानी कि आगे अब जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, या संसद है, या न्यायपालिका है, इसमें जो है, या महान्यायवादी है, या नियंत्रक लेखा परीक्षक है, इसमें क्या है कि मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, इसलिए अब इसको हम थोड़ा विस्तार से आपको पढ़ाएंगे, पूरा इलाबोरेट करेंगे, यानी पूरा डिस्क्रिप्शन भी आपको साथ देंगे, ठीक है। यानी कि टू द पॉइंट स्टडी तो रहेगी ही, साथ में थोड़ा सा विस्तार भी आपको देंगे, ताकि अगर यहां से मुख्य परीक्षा में प्रश्न लिखने को आए तो वो आराम से लिख सके, ठीक है। जैसे कि पीसीएस की मुख्य परीक्षा में अब जीएस के प्रश्न हो गए हैं तो वहां पर आपको लिखना पड़ सकता है, ठीक है। खंड शिक्षा अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा होगी वहां भी आपको लिखना होगा, ठीक है। तो अगर जो है आपको लिखने की डिस्क्रिप्टिव प्रश्न आए तो आप लिख सकें, इतना आपके पास मटेरियल हो तो उसको भी हम ध्यान में रखेंगे कि जो है मुख्य परीक्षा को भी ध्यान में रखा जाए, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ाएंगे। तो आज हम भारतीय संविधान के भाग पांच में क्या पढ़ेंगे, संघ के बारे में पढ़ेंगे, और अनुच्छेद होगा 52 से लेकर 151 तक, ठीक है। देखिए, संघ में पढ़ना क्या है, मूलतः संघ में है क्या, संघ में आपको राष्ट्रपति पढ़ना है, उपराष्ट्रपति पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़नी है संसद, ठीक है। संसद में क्या आ जाएगा, आपका प्रधानमंत्री होगा, ठीक है, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, यानी कि कहें तो कार्यपालिका और विधायिका आपकी होगी, ठीक है। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, भारत का महान्यायवादी पढ़ेंगे आप, ठीक है। इसके बाद आप भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पढ़ेंगे इसी में, और इसके बाद आप पढ़ेंगे भारत की न्यायपालिका, जहां पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। तो इतनी सारी बातें हम लोग भाग 5 के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा बड़ा है, कई सारे लेक्चर होंगे, ठीक है, धैर्य बनाए रखिएगा। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आपने मेरे साथ इतना पढ़ लिया तो जीवन में कभी भी आपको पॉलिटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, इतना आपको हम पढ़ा देंगे, इतना काबिल बना देंगे कि शायद फिर आपको किसी टीचर की या किसी बुक की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रह जाएगी। इसलिए मेरे साथ बने रहिए और पूरा एपिसोड देखिए, पूरा लेक्चर देखिए, इसको समझिए, एक एक बात को बारीकी समझिए, ठीक है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं, हम आपको राष्ट्रपति के बारे में कुछ बताएंगे, ठीक है, उनकी अर्हता क्या होती है, उनका मेन चीज उनका निर्वाचन कैसे होता है, उनकी निर्वाचन की रीत कैसे होती है, कैसे एक विधायक का या एक सांसद के मत का मूल्य निकाला जाता है, कैसे जो आपने सुना होगा कि जो निर्वाचन रीति या जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति की, वो होती है आनुपातिक की प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति, क्या होती है ये, इसको आज हम पूरी तरीके समझेंगे कि ये जो मतलब मत प्रणाली है एकल संक्रमणीय, इसमें होता क्या है, किस तरीके से वोटों की काउंटिंग की जाती है, किस तरीके से वरीयता क्रम निर्धारित किया जाता है, तो इन सारी बातों को आज हम समझने वाले हैं। तो आज हमने राष्ट्रपति के ऊपर ये पूरा लेक्चर जो है डिपेंडेंट किया है कि राष्ट्रपति के बारे में आपको हम बहुत सारी बातें बताएंगे, जो बातें छूट जाएंगी वो हम आपको अगले लेक्चर में समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसलिए राष्ट्रपति पर तो दो वीडियो बनेंगे ही, तभी आपको हम पूरा विस्तार उसके बारे में दे पाएंगे, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज से हम अनुच्छेद 52 से, ठीक है। तो अनुच्छेद 52 में क्या है,
राष्ट्रपति के बारे में दिया गया, ठीक है, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक, ठीक है। कैसा होगा राष्ट्रपति? जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो भारत का प्रथम नागरिक होगा, ठीक है। ये बात कहां किसमें कही गई है? ये अनुच्छेद 52 में कहा गया, राष्ट्रपति के बारे में इसकी भूमिका क्या है इसके संबंध में कुछ बातें कही नहीं है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो भारत का प्रथम नागरिक माना जाएगा, यानी प्रथम नागरिक होगा, ठीक है। और साथ ही साथ वो देश का संवैधानिक प्रावधान भी होगा, यानी कि जो भी अंतरराष्ट्रीय संधियां हैं या जो भी सम्मेलन है या जो भी मतलब कोई क्या बोलते हैं समझौता करना है या जो भी कई सारी चीजें होती हैं, यानी जो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी अगर होता है तो उसके लिए राष्ट्रपति जिम्मेदार होता है। राष्ट्रपति के दस्तखत से ही समझौते या संधियां वगैरह होती हैं। और राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति ने अगर कोई आदेश दे दिया है या कोई सर्कुलर जारी कर दिया है या कोई बात कही है तो पूरे देश को एक साथ माननी होगी। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हम राष्ट्रपति की बात को नहीं मानेंगे या जो राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया है वो हम नहीं माने। क्यों? क्योंकि हमारा देश कैसा है? अखंड भारत है, यानी कि खंडों में विभाजित नहीं है कि मतलब जो है ये वाला राज्य मान रहा है वो वाला राज्य नहीं मानेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा भारत कैसा? अखंड है, यानी कि खंडों में विभाजित नहीं है अखंड भारत, इसलिए पूरे भारत पर राष्ट्रपति के आदेश समान रूप से लागू माने जाएंगे, ठीक है। यानी कि एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का ये प्रतीक है, ठीक है। अब हम जो राष्ट्रपति के क्रम है या किस प्रकार से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं इसके बारे में, हालांकि आपने बहुत पढ़ा होगा, आपको ये पूरी लिस्ट यानी कि पहले कौन से, दूसरे, तीसरे कौन से हुए, वर्तमान में कौन से हैं, किसका कौन सा क्रम है, आपने सब कुछ पढ़ा होगा मुझे पता है। लेकिन हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जहां से प्रश्न बनता है, पूछा गया है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम आपकी वो कंफ्यूजन आज दूर करने वाले हैं, ठीक है। हम आपको सारे क्रम नहीं बताएंगे लेकिन वो क्रम आपको जरूर हम बताएंगे जहां से प्रश्न बनता है, आपको उलझाया जाता है, एग्जामिनर ऐसा प्रश्न बना देता है कि आप जानबूझ करके उलझ जाएं, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे आपको पता ही है, और जो अंतिम अभी है वो है रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। तो हम सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे लेकिन ज्यादा बातें वहां पर करेंगे जहां से प्रश्न आता है, ठीक है। तो आपको पता है कि 24 जनवरी 1950, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हो जाता है, ठीक है। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। और कैसे लागू होता है, तब क्या थी? तब हमारे पास थी एक संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाया गया और 24 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू कर दिया गया, यानी कि जितने जितने अनुच्छेद 395 सभी के सभी अनुच्छेद 24 जनवरी 1950 को लागू हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ? अब हमारे देश को एक राष्ट्रपति की आवश्यकता पड़ी, यानी कि एक राष्ट्र का प्रमुख होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, संवैधानिक प्रधान होना चाहिए, प्रथम नागरिक होना चाहिए, ठीक है। अब उस राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाए? चूंकि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है हम आपको आगे बताएंगे कि संसद के सदस्य होते हैं, विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय 1950 में हमारे देश में संसद तो थी नहीं और ना ही संसदीय चुनाव हुए थे, ठीक है, क्या थी? संविधान सभा थी। तो इसी संविधान सभा ने सामूहिक तौर पर या सबकी सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना राष्ट्रपति यानी देश का राष्ट्रपति चुन लिया था। कब? 24 जनवरी 1950 से, ठीक है। तो जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हुए वो हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जो कि संविधान सभा के द्वारा चुने गए थे। ध्यान रखना है ये निर्वाचित नहीं है, इनका चुनाव नहीं हुआ था बल्कि ये संविधान सभा के द्वारा ये चुने गए थे, ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि जो संसद आई है, जो संसदीय चुनाव हुए हैं वो 1952 में हुए, ठीक है। फिर क्या हुआ? 1952 में हो गए, संसद आ गई, संसदीय चुनाव हो गए, फिर इनको 1952 में विधिवत तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति चुना गया, ठीक है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, यानी कि जब 1950 में बने थे तब ये निर्वाचित नहीं हुए थे, संविधान सभा के द्वारा सर्वसम्मति से इनको चुना गया था 1952 में,
इनको निर्वाचन प्रक्रिया के तहत बाकायदा चुनाव करा के इनको राष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक है, तो ये थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानकारी। ठीक है, और ये 20 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक ये लगातार देश के पहले राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो सर्वाधिक कार्यकाल यानी कि 12 साल तक लगातार ये देश के राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, और प्रथम राष्ट्रपति द्रौपदी है और सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही हैं। इसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बनाया जाता है। ठीक है, जितने यानी दो कार्यकाल ये जब राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे तो वही दो कार्यकाल ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति रहे। ठीक है, इसके बाद इनको दूसरे क्रम के जो राष्ट्रपति हुए हैं वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर के जो राष्ट्रपति हुए हैं वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डेट हमने यहाँ पर लिखी हुई है, राधाकृष्णन की है 14 मई 1962 से 13 मई 1967 तक, पूरे 5 साल रहे हैं। और डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे हैं 13 मई 1967 से 3 मई 1969, यानी कि 2 साल रहे। ठीक है, ये फिर जो है ब्रेकअप हो गया, मतलब कुछ समस्या ऐसी आ गई कि जो है इनको जाना पड़ा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यानी कि जो तीसरा क्रम था यहां तक तो लगातार चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर जाकिर हुसैन गए, इसके बाद जो राष्ट्रपति चुनाव होने चाहिए थे तो ऐसी कुछ समस्याएं थी कि राष्ट्रपति का चुनाव कराना संभव नहीं था। इसलिए कुछ समय के लिए क्या हुआ, एक कार्य जो है टेम्पररी यानी कि जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति की आवश्यकता पड़ी, तो उस समय वीवी गृह को, ठीक है, वीवी गृह को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। कब, 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक, इतने कार्यकाल के ये जो है वीवी गृह कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। ठीक है, इसके बाद इनको हटा दिया गया। फिर जो उस समय तत्कालीन जो न्यायाधीश थे यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, उनको इनकी जगह पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया। ठीक है, और कब तक रहे, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक ये दो लोग कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहे। ठीक है, इसलिए इनको हम अपने क्रम में काउंट नहीं करते, सीरियल में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों लोग ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, फिर राष्ट्रपति चुनाव हुए तो चौथे जो राष्ट्रपति बने वो फिर से बने वीवी गृह, और ये रहे हैं 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक, यानी पूरे 5 साल तक ये रहे वीवी गृह। ठीक है, फिर क्या हुआ, पांचवें क्रम के जो राष्ट्रपति बने वो थे फखरुद्दीन अली अहमद, ये 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक रहे, यानी कि उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाया। इसके बाद फिर एक कार्यवाहक राष्ट्रपति आते हैं बी डी जत्ती। ठीक है, कौन आते हैं, बी डी जत्ती आते हैं, ध्यान रखना है, और ये 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, और इसके बाद जो छठवें राष्ट्रपति बने हैं नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, ये 25 जुलाई 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1982 तक, यानी कि पूरे 5 साल रहे हैं। डॉक्टर, ये नीलम संजीव रेड्डी के बारे में जो है दो चीजें जरूरी है, पहली बार जब ये चुनाव लड़े थे तो ये चुनाव हार गए थे। ठीक है, दूसरी बार जब ये चुनाव लड़े हैं तो इनको निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था, यानी कि इनके खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाता है कि निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है, वो है नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए हैं, वीवी गृह, न्यायमूर्ति है हिदायतुल्ला और बी डी जत्ती। बस इनका आपको क्रम याद रखना कि कहां पर, ठीक है, यानी कि 3 तक तो क्रम सही रहा, फिर जो है 2 कार्यवाहक राष्ट्रपति यहां पर रहे हैं, फिर चौथे पांचवें चले हैं क्रम से, फिर पांचवें छठवें के बीच में एक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पर प्रश्न पूछा जाता है कि कार्यकाल कभी कभी पूछ लिया जाता है, या मतलब जो है किस क्रम के बाद कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर ये पूरा क्रम लगातार जारी है, यानी छठवें यानी नीलम संजीव रेड्डी के बाद फिर कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं आया है। साथ में कौन हुए, ज्ञानी जैल सिंह हुए, आठवें आर वेंकट रमन, नवे है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा,
दसवें है डॉक्टर के आर नारायणन, ग्यारहवें है डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम, बारहवें है प्रतिभा पाटिल, इनके बारे में एक बात है कि ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही हैं, और तेरहवें है डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, चौदहवें है यानी वर्तमान में है वो है रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि जो रामनाथ कोविंद जी है, ठीक है, ये अगर व्यक्ति के क्रम से देखा जाए, अगर व्यक्ति के क्रम से देखा जाए तो ये चौदहवें है, लेकिन अगर सीरियल के हिसाब, क्रम संख्या के हिसाब से देखा जाए तो ये पंद्रहवें नंबर के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ये दो कार्यकाल रहे हैं। ठीक है, अगर अगर क्रम देखा जाएगा तो इनका पंद्रहवां क्रम है, व्यक्ति के हिसाब से देखा जाएगा तो रामनाथ कोविंद चौदहवें व्यक्ति है। ठीक है, ये था जरूरी बात आपको समझने वाली। इसके बाद अनुच्छेद 53 में अगर आपको बता दें तो ये है संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। 53 नंबर से यही कि जो हमारा संघ है उसकी जो कार्यपालिका की शक्ति है, कार्यपालिका विधायिका क्या है ये आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होगी? वो राष्ट्रपति में ही निहित होगी, अनुच्छेद 53 यानी आर्टिकल 53। अब देखिए इसमें क्या है, अभी तक तो हम क्रम से पढ़ते आए हैं कि जो है 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन अब क्या होगा, अब अनुच्छेद का जो क्रम है वो इरेगुलर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आगे पीछे हो सकता है, इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। और दूसरी बात ये कि सभी अनुच्छेद पढ़ा पाना फिलहाल संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि और पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई 395 अनुच्छेद, लगभग 450 अनुच्छेद आप कैसे याद कर पाएंगे, रट नहीं पाएंगे। इसलिए हमारा फोकस उन उन अनुच्छेद पर होगा, किन पर, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए हम आपको सारे अनुच्छेद नहीं पढ़ाने वाले हैं, इसलिए आप बिल्कुल जो है परेशान ना होइए, हम बिल्कुल मेन मेन पढ़ाने वाले हैं, लेकिन क्रम जो है आगे पीछे हो जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहे, परेशान ना होइएगा कि सर ने क्रम गड़बड़ा दिया है। ठीक है, तो अब हम आएंगे सीधे सीधे अनुच्छेद 58 पर, 58। ठीक है, जहां पर हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की अर्हताएं और शर्तों के बारे में, यानी कि क्या अर्हता, योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या पात्रता होनी चाहिए, या राष्ट्रपति बनने की शर्तें क्या है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो पहली चीज तो वह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, यहां पर देखिए नागरिक शब्द लिखा हुआ है, और नागरिक शब्द अगर आपको कहीं पूरे संविधान में मिले तो नागरिक का मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, जरूरी नहीं है कि भारत में पैदा हुआ हो। ठीक है, हमने हालांकि अपने जो है एक प्रश्न भी आपसे पूछा था चैनल पर, तो बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दिया है। नागरिक का मतलब यह है कि पैदा होने से नहीं है, वो उस समय जब वो चुनाव लड़ रहा हो तब नागरिक होना चाहिए। ठीक है, पैदा होना जरूरी नहीं है, ठीक है, मतलब वो जन्म से पैदा हुआ ऐसा कुछ नहीं है, उस समय उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए, पैदा हो कहीं भी हुआ हो उससे मतलब नहीं है। दूसरा है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, 35 साल से कम का ना हो, और लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, इसके बाद चुनाव के समय कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करता हो। ठीक है, अब लाभ के पद क्या होंगे क्या नहीं होंगे तो मैं आपको बता दूं कि क्या नहीं होंगे, बाकी के सब होंगे। लाभ का पद राष्ट्रपति के पद पर है, उपराष्ट्रपति के पद पर है, संघ या राज्य में मंत्रिपरिषद का सदस्य है, तो ये लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। ठीक है, यानी राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, संघ एवं राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य है, तो ये लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा जितने पद हैं वो सब लाभ के पद माने जाएंगे। दूसरी चीज, अब अगर राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है सोचिए, तो कोई भी व्यक्ति जाके चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, मान लो आप भी चलेंगे लड़ने, हम भी चलेंगे, ठीक, मतलब कोई डिग्निटी नहीं रहेगी राष्ट्रपति चुनाव की। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ कि जो निर्वाचन आयोग है या जो संस्था इसका जो चुनाव कराती है, ठीक है, या संविधान में इस बात का जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति चुनाव जो व्यक्ति लड़ना चाहता है तो उसके पक्ष में कम से कम 50 व्यक्ति अनुमोदन करें और 50 व्यक्ति उसको प्रस्ताव, यानी कि 50 व्यक्ति प्रस्तावक हों, यानी कि हम इस व्यक्ति को लड़ना चाहते हैं, हम इनके फेवर में हैं, और 50 दूसरे व्यक्ति हों वो अनुमोदन करें कि हाँ ये अच्छे आदमी है, चुनाव लड़ने लायक है, राष्ट्रपति बनने लायक है। तो इसके लिए कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए, वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है।
ठीक है, और जो जमानत राशि रखी गई है वो है 15,000 रुपए, यानी 15,000 रुपए आपको जमानत राशि भी जमा करनी होगी। ध्यान रखना है सन 1997 से पहले, 1977 से पहले जमानत राशि कितनी थी, 2,500, 2,500 रुपए थी, ठीक है, और प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या 10-10 थी, लेकिन 1997 के बाद जमानत राशि बढ़ा दी गई, 15,000 कर दी गई है, और प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या 50-50 कर दी गई, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति, यानी जितने भी मत पड़े हैं, उन मतों का अगर 1/6 प्राप्त नहीं कर पाता है कम से कम, तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, ठीक है, उसकी जमानत राशि जब्त होगी, यानी कम से कम 1/6 मत आपको प्राप्त करने होंगे, ठीक है। ये हो गया, ये तो होगी उसकी अर्हताएं और शर्त, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ठीक है, अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, उनकी मतलब क्या क्या कंडीशन है, और 55 बताया गया कि निर्वाचन की रीति क्या है, प्रक्रिया क्या है, किस प्रक्रिया के तहत उसका निर्वाचन किया जाएगा, ठीक है। तो जो निर्वाचन है उसमें कौन कौन शामिल होगा, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना है राज्यसभा और लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो शामिल होंगे, मनोनीत शामिल नहीं होंगे। जैसे कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन मनोनीत है, नहीं शामिल होंगे। राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, कला साहित्य से या खेल से या जो भी हस्तियां होती हैं, उनको शामिल नहीं किया जाएगा, केवल केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे संसद के। इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी जो हमारी विधानसभाएं हैं राज्यों की, ठीक है, उनके निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होंगे, यानी कि जिन जिन राज्यों में विधान परिषद हैं उनके सदस्य शामिल नहीं किए जाएंगे, केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित, मनोनीत नहीं, केवल निर्वाचित। ये ध्यान रखना है, ये प्रश्न पूछा जाता है, जल्दबाजी में आप पढ़ते नहीं है और गलत करके आ जाते हैं, ठीक है, वहां मनोनीत लिखा होता है, निर्वाचित और मनोनीत दोनों लिखा होता है, आप सोचते नहीं ये है, तो मनोनीत नहीं होगा, सिर्फ निर्वाचित सदस्य होंगे। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, यानी जो भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, तो सबके नहीं, केवल दिल्ली और पुडुचेरी, जो कि यहीं पर दो केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं, बाकी में नहीं है, तो दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सभी यहां पर निर्वाचित हैं, ठीक है, कोई भी मनोनीत नहीं है। और ये जो है एक 70वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था कि दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल किए जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गई जो इसका निर्वाचक मंडल है कि कौन कौन शामिल होगा। अब हम बात करेंगे कि निर्वाचन रीति किस प्रकार से, ठीक है, अनुच्छेद 55। तो जो इनका चुनाव होगा राष्ट्रपति का, वो गुप्त मतदान होगा, यानी चुपचाप तरीके से मतपेटिका में मत पत्र डाल दिया जाएगा, ठीक है, और कैसे होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा ये चुनाव होगा, ठीक है। मुंह सूख के थोड़ा पानी पी रहा था ये। अब आपको इसको हम समझाते हैं कि ये होती क्या है, ठीक है। तो देखिए, इसमें भारत में जितने भी राज्य हैं, कोई छोटा राज्य है, कोई बड़ा राज्य है, ठीक है। अब मान लो अगर एक सिंपल सी प्रक्रिया होती तो उसमें क्या हो सकता था कि हो सकता कि जो बड़े राज्य हैं उनको ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल जाए, जो छोटे राज्य हैं उनको कम मिले, ठीक है, या लोकसभा के सदस्यों कम मिल जाए, राज्यसभा ज्यादा मिल जाए, मतलब ये जो है विभिन्नता हो सकती थी। इसलिए इस विभिन्नता को खत्म करने के लिए कि कोई राज्य ये आक्षेप ना लगा पाए कि हमें कम महत्व दिया गया है और दूसरे को अधिक दे दिया गया है, तो यहां पर क्या किया गया है, इसलिए इस मत प्रणाली को अपनाया गया है। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रत्येक राज्य के विधायक का मूल्य निकाला जाता है, ठीक है, और जो सांसद होता है उसके मत का मूल्य निकाला जाता है, ठीक है, फिर उन मूल्यों के आधार पर ही चुनाव की प्रक्रिया होती है। देखिए कैसे कैसे होता है, तो यहां पर हमने आपको बताया कि एक विधायक के मत का मूल, अगर किसी राज्य का
ठीक है, विधायक है तो उसके मत का मूल्य कितना होगा, ठीक है। और ये हर राज्य के विधायक के मत का मूल्य अलग अलग होगा। जैसे मान लो अगर यूपी की बात करें तो यूपी के विधायक का मत का मूल्य कुछ और होगा, अगर हम महाराष्ट्र के विधायक की बात करें तो वहां विधायक के मत का मूल्य कुछ और होगा, अगर हम नागालैंड के विधायक की बात करें तो वहां के विधायक के मत का मूल्य कुछ और होगा। निकालेंगे हम कैसे, निकालेंगे ऐसे कि राज्य की कुल जनसंख्या, सपोज मान लो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, यूपी है, यूपी का अगर बात करें, ठीक है, तो यूपी के विधायक के एक मत का मूल हम कैसे निकालेंगे, तो राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, 20 करोड़ है, ठीक है, 20 करोड़ लिख देंगे। और राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य कितने हैं, निर्वाचित बात हो रही है, 403 निर्वाचित हैं, ठीक है, और एक एंग्लो इंडियन होता है, 404 होते हैं ना यूपी में, तो एक एंग्लो इंडियन है लेकिन निर्वाचित 403 ही है, ठीक है। और क्या करेंगे, इसको हम 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है, ये हमने गुणे 1/1000 लिखा, ये इसका मतलब भाग है, यानी कि जो ये संख्या, यानी कि राज्य की कुल जनसंख्या में हम जो भी निर्वाचित सदस्य हैं उसका भाग देंगे, ठीक है, और जो भी आएगा उसमें फिर से हम 1000 का भाग देंगे, ठीक है। तो जो भी आगे आएगा एक्स वाई जेड जो भी आया वो क्या होगा, वो एक विधायक के मत का मूल्य होगा, ठीक है, एक विधायक के मत का मूल्य होगा। अब विधायक टोटल कितने हैं, 403 है, ठीक है। अब देखिए ये तो एक विधायक के मत का मूल्य होगा, इसी प्रकार हम हर राज्य में निकालेंगे, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, सिक्किम, सब सात राज्यों का निकाल लेंगे, ठीक है, और हर राज्य के विधायक का मूल्य अलग अलग आएगा, ठीक है, ये ध्यान रख, किसी का कम होगा किसी का ज्यादा होगा, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि मतलब जो बड़े राज्य उनका ज्यादा हो छोटे कम, ऐसा कुछ नहीं है, किसी का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये तो विधायक का मूल्य निकला है, इसके बाद हम निकालेंगे एक जो संसद सदस्य है, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो चाहे लोकसभा का सदस्य हो, उसके एक मत का मूल्य कितना होगा, ये हम कैसे निकालेंगे, तो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य, ठीक है, यानी कि जितने भी राज्य हैं, जितने भी राज्य शामिल हैं, राज्य विधानसभा शामिल हैं, सारे विधायकों के मतों का कुल मूल्य कितना आएगा, मतलब ये समझो लाखों में आता है, ठीक है, कुल मूल्य कितना आएगा, ठीक है, और बटे भाग दे देंगे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, ठीक है, यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उससे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो क्या होगा कि एक संसद सदस्य के मत का मूल्य आ जाएगा। अब क्या होगा, जितने भी संसद सदस्य सब सब सबके मतों का मूल्य निकाल लिया, ठीक है, और जितने विधायक हैं उन सबके मतों का मूल्य निकाल लिया, सबको जोड़ दिया, ठीक है, और क्या किया, फिर कोटा हम कैसे निर्धारित करेंगे कि कैसे जो है कितना कितना मत कोई व्यक्ति पाए वो राष्ट्रपति बन जाए, ठीक है, तो जितने भी कुल वैध मत पड़े हैं, जितना भी वैध मूल्य है उसका 50%+1, ठीक है, यानी कि कैसे कोटा निर्धारित होगा, कुल वैध मतों का योग, यानी कि विधायकों के और सांसदों के जो कुल मूल्य है, कुल मूल्य निकला है उसका योग बटे 2 कर देंगे, यानी कि 50% और +1, ठीक है। मान लो अगर कुल मूल कितना आता है, 100 आया, ठीक है, और 2 से डिवाइड करेंगे +1 करेंगे, तो ये क्या होगा, 50+1 यानी कि 51 मूल होना चाहिए, यानी 51 मत प्राप्त हो, 50+1 यानी कि 51% अगर मत किसी व्यक्ति ने प्राप्त किए हैं तो वह राष्ट्रपति बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है कि विधायकों और सांसदों के मत मूल्य अलग अलग निकाले जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब होता यह है कि इसमें जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है बैलेट पेपर से होता है, ठीक है, और बैलेट पेपर में क्या होता है, एक वरीयता क्रम निर्धारित किया जाता है, ठीक है, ये चीज आपने पढ़ी होगी लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने समझ नहीं पाई होगी, ठीक है। एक वरीयता क्रम निर्धारित होता है, बैलेट पेपर जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का, ठीक है। यहां पर क्या होता है, यहां प्रत्याशी का नाम होता है और यहां पर होता है वरीयता क्रम, ठीक है। अब मान लो नाम क्या है, ए है, बी है, सी, डी, ई, ठीक है, ये है। अब मान लो कोई विधायक या सांसद वोट देने गया, ठीक है, और उसका जो सबसे पसंदीदा प्रत्याशी है वो ए है, ठीक है, तो वो ए के सामने क्या लिख देगा, 1, ठीक। और अगर वो चाहे, अगर वो चाहे, अगर उसका कोई दूसरा भी पसंदीदा प्रत्याशी है तो क्या, वो मान लो बी है तो सामने 2 लिख देगा,
चाहे तो वो सी के सामने 3 लिख सकता है, डी के सामने 4, और वो चाहे तो पांचों को वोट दे सकता है। यानी कि इसको कहा जाता है वरीयता क्रम, कि अगर मतलब जो है ए राष्ट्रपति नहीं बन पाया तो हम चाहते हैं कि बी बन जाए, अगर बी नहीं बन पाया तो हम चाहते हैं सी बन जाए, अगर सी नहीं बन पाया हम चाहते हैं डी बन जाए, या डी नहीं बन पाया तो हम चाहते हैं कि ई बन जाए। ये हमारा वरीयता क्रम, हमारा प्रेफरेंस है, हमारी स्वेच्छा है। हम चाहें तो सिर्फ ए को ही 1 लिख के और चले जाएं, कोई फर्क नहीं, हम सबको नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो वोट देने वाला है, जो विधायक है, वो सांसद है, वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, फिर क्या होगा, मान लो कुछ लोग ऐसा करते होंगे, कुछ लोग नहीं करते होंगे। ठीक है, फिर क्या होगा कि जो है इसको काउंट किया जाएगा, सारे लोगों के मत पड़ जाएंगे, फिर उनको काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो जो पहली मतगणना होगी, अगर उस मतगणना में कोई व्यक्ति यानी कि 50+1 मत प्राप्त कर लेता है तो वो राष्ट्रपति बन जाएगा। ठीक है, और अगर उसने प्राप्त नहीं कर पाए तो क्या होगा, राष्ट्रपति नहीं बन पाए। फिर क्या होगा, फिर दूसरे चक्र की मतगणना होगी। दूसरे चक्र की मतगणना क्या होगी कि इसमें जिस प्रत्याशी ने सबसे कम मत प्राप्त किए होंगे उसको क्या किया जाएगा, मतगणना से बाहर कर दिया जाएगा, और उसके जितने भी मत होंगे वो बचे हुए प्रत्याशियों में वरीयता क्रम में बांट दिए जाएंगे। फिर देखा जाएगा कि क्या किसी प्रत्याशी ने 50+1 प्राप्त किया, अगर प्राप्त कर लिया है तो राष्ट्रपति बन जाएगा, अगर नहीं प्राप्त किया है तो दूसरे चक्र की मतगणना में जो सबसे अंतिम प्रत्याशी होगा उसको तीसरे चक्र की मतगणना में बाहर कर दिया जाएगा, और उसके मतों को बचे हुए प्रत्याशियों में वरीयता क्रम में, प्रेफरेंस में बांट दिया जाएगा, और देखा जाएगा कि तीसरे क्रम में कोई प्रत्याशी 50+1 प्राप्त कर पाता है कि नहीं। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कोई प्रत्याशी 50+1 प्राप्त नहीं कर लेगा। ठीक है, हालांकि भारत के इतिहास में अभी तक सिर्फ एक बार दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी है, बीबी गिरी के मामले में। ठीक है, यानी जब ये जो बीबी गिरी का चुनाव यहां पर हुआ था, ये वाला, ठीक है, तो इनके लिए दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, यानी कि पहले चक्र में ये राष्ट्रपति नहीं बन पाए थे। तो ध्यान रखिएगा कि दूसरे चक्र की मतगणना वीवी गिरी के मामले में करनी पड़ी थी। ठीक है, और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जो निर्विरोध चुने गए हैं, वो है, यानी वोट पड़ा ही नहीं है, वो है नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सारी, चूंकि बहुत सारी किताब हम अलग अलग तरीके से दिया है, थोड़ा समझने में आपको परेशानी होती होगी। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक बार डिटेल में समझा दूं कि ये वरीयता क्रम कैसे निर्धारित होता है, इसलिए। ठीक है, चलिए, इसके बाद एक वीडियो आपको और हम राष्ट्रपति के ऊपर ही देंगे, तो हमारा राष्ट्रपति जो है पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, मिलता हूं अगले वीडियो में, नमस्कार।